नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य, बीएनएस गुड फार्म से। दोस्तों, देसी बकरी का दूध कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जी, देसी बकरी का दूध कैसे बढ़ाएं। भाई देखिए, देसी बकरी का दूध बढ़ाने का या तो फिर विदेशी बकरी का या तो ब्रीड कह लें, बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। कुछ तरीके और फार्मूले ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और कुछ तरीके फार्मूले ऐसे हैं जिसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है और आप उसका घरेलू उपचार करके जो है कि दूध बढ़ा सकते हैं देसी बकरी का। तो अब बात करते हैं देसी बकरी पर। जैसे कि लोग देसी बकरी अक्सर गाँव घरों में, शहरों में शौकिया तौर पर पालने के लिए रखते हैं और दिन भर चराई पर या तो खूंटे में बांध करके रख देते हैं, बाहर जहाँ पर घास जैसा एरिया है तो वहाँ पर बकरियाँ दिन भर खाती रहती हैं और शाम को घर पे ला के बांध देते हैं। अब उसमें क्या होता है, सिर्फ घास खाने से ही बकरी का दूध नहीं बढ़ेगा, उनको अलग से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मैं वीडियो में बने रहे, मैं वीडियो में बताऊंगा क्या कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। देखिए, उसमें आपको दो तीन काम करना पड़ेगा। फर्स्ट तो डिवार्मिंग, अगर आपकी बकरी क्रॉस हो गई है तो क्रॉस होने का डिवार्मिन का दवा अलग है, वो दवा आप लेकर के बकरी को पिला सकते हैं। और जो है कि अगर बकरी क्रॉस नहीं हुई है तो आप नॉर्मल किसी भी दवा से उसका डिवार्मिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बकरी का, देसी बकरी का लोग डिवार्मिंग बहुत कम ही करते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं है, यानी कि पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे दोगे तो बकरी अच्छे से खाएगी और उसका ग्रोथ भी होगा और दूध भी इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। अब बात करते हैं चराने के बाद। देखिए, जैसे मेरे हाथ में है, मैं तो स्टॉल फीड पर बकरियाँ पालता हूँ, समय मिलने पर ही जो है कि मैं इनको थोड़ा सा चराता हूँ, नहीं तो नहीं चराता हूँ। तो मैं दाना शाम को या दोपहर में या सुबह ये खाने के पीने के एक घंटे आधे घंटे के बाद ही मैं देता हूँ। जैसे देखिए, मेरे हाथ में दाना मिश्रण है, मैं रोज़ एक एक मुट्ठी सबको दाना खिलाता हूँ। और अब जब देसी बकरी का दूध बढ़ाना है तो उनको दाना चराई करने के बाद, खिलाने के बाद दाना देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी देसी बकरी से आप अच्छा दूध ले सकते हैं। अब बात करते हैं घरेलू। देखिए, घरेलू नुस्खा में क्या है कि हम अपने खाने पीने के लिए चीज़ें अपने किचन में रखते हैं, जैसे कि चावल। चावल हर घर में बनता है। अब चावल का पानी, जिसको माढ़ बोलते हैं, माढ़ यानी चावल में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो माढ़ बन जाता है, गाढ़ा टाइप का। तो आप क्या करें, चावल को छान लें। जब आप चावल को छान लेंगे तो वो पानी को ठंडा कर लें। उसके बाद हर घर में गुड़ मिलता है, गांव में गुड़, खाड़, भेली बोलते हैं, गन्ने का जो बनता है वो ले लें। अब लेना कितना है, जैसे कि 300-400 ग्राम आपने चावल का माढ़ निकाल लिया, उसमें 20-25 ग्राम या 50 ग्राम गुड़ डाल दें, खाड़ डाल दें, या तो शुगर, अगर ये सब नहीं हो तो हल्का शुगर डाल दें। डालने के बाद अगर शुगर भी नहीं हो तो मिश्री, ये भी घर में रहता है तो मिश्री भी डाल सकते हैं आप, यानी दो चीज़, माड़ और गुड़, या तो माड़ या तो मिश्री, ये दोनों मिला करके आप अपनी बकरी को सुबह शाम कम से कम 15 दिन पिलाएं, आपकी बकरी का दूध बढ़ जाएगा। तो देसी बकरी का दूध आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया दाना, तो सारी बकरियों को जो है कि आप इस तरीके से दाना डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से सारी बकरियाँ खा रही हैं, और इधर देखिए, इधर भी, अरे लड़ाई मत करो, खाओ, चलो। दोस्तों, छोटा जानकारी था तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि देसी बकरी का दूध, जैसे कि देखिए मेरे पास ये देसी बकरी ये भी है, ये दिखाइए, और एक देसी बकरी उधर है, और एक देसी बकरी उधर भी है, और उधर बर्बरी की बकरी है और बकरे हैं, एक बर्बरी की इधर है और एक बर्बरी इधर है। तो देसी बकरी का भी दूध आप इस तरीका से बढ़ा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, घरेलू नुस्खे से। दोस्तों, थोड़ा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।